गणेशाय नमः। ओम महागणेशाय 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 नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महाबलेश्वराय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महाबलेश्वराय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम परम देवाय नमः। विश्व सम्राट दैत्यराज सिंधु, दैत्य महारानी वर्णाक्षी की जय। विश्व सम्राट दैत्यराज सिंधु, दैत्य महारानी वर्णाक्षी की जय। अमर वरदानी विश्व सम्राट सिंधु की जय हो। कारागर प्रमुख विरोचन, क्या समाचार लेकर राजसभा में उपस्थित हुए हो? बंदी देवताओं ने हमारा दिया हुआ भोजन स्वीकार नहीं किया दैत्यराज। क्या देवताओं को मांसाहारी भोजन दिया गया था? नहीं दैत्य महारानी, बंदी देवताओं और अतिथि श्री हरि विष्णु को नियमित शाकाहारी भोजन ही दिया जाता है। तो देवताओं को भोजन अस्वीकार करने का कारण? क्षमा करें दैत्यराज, देवताओं का कहना है कि आज उनका संकष्ट चतुर्थी का व्रत है। संकष्ट चतुर्थी अर्थात? ये तो मैं नहीं जानता दैत्यराज, किंतु देवता आज प्रातः से ही श्री महागणेश की आराधना कर रहे हैं। महागणेश की आराधना, वो भी हमारे महल में? असंभव। ये हमारे विरुद्ध दुष्ट देवताओं का षड्यंत्र है। हम अपने राजमहल में महागणेश आराधना की अनुमति नहीं दे सकते, कदापि नहीं दे सकते। हम अपनी वरदानी शक्ति से इसी समय दुष्ट देवताओं को दंडित करेंगे। कारागर का द्वार खोलो। प्रमुख विरोचन, ये बंदी देवता कहां भाग गए? क्षमा करें दैत्य सम्राट, बंदी देवताओं का स्वर हमें स्पष्ट सुनाई पड़ रहा है। जब मेरे अमरास्त्र से इन दुष्ट देवताओं की दिव्य शक्तियां नष्ट हो गई थी, फिर वे अदृश्य कैसे हो गए? क्या इन दुष्ट देवताओं से भेंट करने कोई देव गुप्तचर आया था? नहीं दैत्यराज, इतनी कड़ी सुरक्षा में देव गुप्तचर तो क्या पंछी भी पर नहीं मार सकता। तुम्हारी सुरक्षा में कोई भूल अवश्य ही हुई है विरोचन, अन्यथा ये शक्तिहीन देवता अदृश्य नहीं हो सकते थे। भूल का तो प्रश्न ही नहीं उठता दैत्य सम्राट। हमें उत्तर देने की भूल ना करो दुष्ट विरोचन। अपनी वरदानी शक्ति से हम इन दुष्ट देवताओं को दंडित अवश्य करेंगे, परंतु उससे पहले तुम हमारे क्रोध का निवाला बनोगे। महागणेशाय नमः। परम देव श्री महागणेश की आराधना के स्वर सुनकर ऐसा प्रतीत होता है स्वामी कि अब संसार को दैत्यों के अत्याचारों से मुक्ति मिलेगी। मिलेगी तो अवश्य देवी, परंतु तुम्हारे पुत्र मयूरेश्वर की इच्छा के पश्चात ही। माता श्री, पिता श्री,
परम देव श्री महागणेश की आराधना का प्रभाव होने में कुछ समय तो लगेगा ही ना? कुछ समय तो अवश्य लगेगा वत्स, परंतु वो समय अधिक दूर हो ऐसा तो प्रतीत नहीं होता। आप इतनी रहस्यमय भाषा क्यों बोल रहे हैं स्वामी? स्पष्ट कहें, मयूरेश्वर को क्या करना होगा? माताश्री, मुझे पिताश्री के संकेत का ज्ञान है, परंतु समय अभी दूर है, उसे समीप आने दीजिए, फिर मैं एक क्षण का भी विलंब नहीं करूं। अधिराज श्री हरि, मैं तो समझा था कि आप भी दुष्ट देवताओं की भांति अदृश्य हो गए। तुम्हारी अनुमति के बिना मैं अदृश्य कैसे हो सकता हूँ दैत्यराज? ये नीति विरुद्ध कार्य मैं कदापि नहीं कर सकता। परंतु आप इस प्रकार आंखें बंद किए ध्यान मग्न क्यों बैठे रहते? इस संसार में मेरी योग निद्रा प्रसिद्ध है दैत्यराज। योग निद्रा में लीन रहते हुए भी मुझे संसार के कण कण का ज्ञान रहता है। श्री हरि, क्या आप जानते हैं कि राजमहल में मेरे द्वारा बंदी देवता इस समय कहां भाग गए? ये तुम्हारी भूल है सिंधु। तुम्हारे महल रूपी कारागृह से देवगण कहीं भागे नहीं हैं। परंतु वे इस समय कक्ष में दिखाई नहीं दे रहे। हो सकता है उन्हें देखने में तुमने कोई भूल की हो, अन्यथा श्री महागणेश आराधना का स्वर तुम्हें इतने समीप से सुनाई न देता। क्या आप मुझे अंधा समझते हैं श्री हरि? जब मैं आपको स्पष्ट देख सकता हूँ तो उन दुष्ट देवताओं को क्यों नहीं देख सकता? अवश्य ही इसमें कोई षड्यंत्र है। तुम क्या सोचते हो दैत्यराज, क्या ये सब मेरे कारण से हो रहा है? यदि दुष्ट देवताओं के षड्यंत्र का आपको ज्ञान नहीं तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि अदृश्य देवता राजमहल के कारागृह में आप बंदी है? जो मैं स्वयं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ वो तो आपने नहीं देखा, फिर आप भी। दैत्यराज सिंधु, आपने हमसे ही वरदान पाकर हमें अपना अतिथि बनाया, क्या एक अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित है? यदि अतिथि षड्यंत्र में सम्मिलित हो श्री हरि, तो वो अतिथि नहीं शत्रु बन जाता है। दैत्यराज सिंधु, अपने वरदान की रक्षा और मर्यादा के कारण हमने अब तक आपका सम्मान किया, परंतु अब जब हम आपके शत्रु बन गए हैं तब न तो वरदान की मर्यादा रही और न ही अतिथि बने रहने की। आप कहना क्या चाहते हैं श्री हरि? क्या आपको अब हमारा आतिथ्य स्वीकार नहीं है? जिसका विवेक नष्ट हो चुका हो, जिसके हृदय में दुराचार और दुर्भावना ने प्रवेश कर लिया हो, उसका अतिथि बने रहना हमें स्वीकार नहीं। जहां तक देवताओं के अदृश्य होने के रहस्य का प्रश्न है, तो वो हम अपनी योग निद्रा में लीन होकर दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं। आपने हमारे साथ छल किया है, दैत्यराज सिंधु के साथ छल किया है श्री हरि। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने सत्य कहा था, आप छलिया थे छलिया है, परंतु मैं आपको छलिया नहीं रहने दूंगा। मैं अपनी वरदानी शक्ति से आपके वैकुंठ पर आक्रमण करके इस छल का आपसे भयानक प्रतिशोध लूंगा। क्या हुआ स्वामी? हमारे साथ भयानक छल हुआ है महारानी। छल? कैसा छल? किसने किया आपके साथ छल? अपनी ही भूल के कारण हम छल लिए गए महारानी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य तो हमें पहले ही छलिया विष्णु से सावधान रहने का परामर्श दिया था, परंतु तब हमने उनकी बात नहीं सुनी थी। जो अपने गुरु की बात नहीं मानता उसे भविष्य में संकटों का सामना करना ही पड़ता है। आपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के परामर्श को न मानकर भयानक भूल की है स्वामी। मेरी भूल और दोष देखने का दुस्साहस ना करो महारानी। शुक्राचार्य की बात न मानने का एकमात्र कारण ये था, जब तक विष्णु हमारे अतिथि बनकर रहते हैं संसार की कोई भी शक्ति हमें स्पर्श नहीं कर सकती। परंतु अब आप देवताओं की महागणेश आराधना अवश्य सफल होगी, और आप स्वामी आप महारानी विरूपाक्ष
क्या तुम हमारी शत्रु बनना चाहती हो? मुझे स्त्रियों का बात बात पर भयभीत हो जाना तरक भी प्रिय नहीं। भविष्य में इस बात से सावधान रहना। श्री गणेश ने कहा था कि स्वामी को कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। मयूरेश्वर श्री गणेश ने भी कहा था कि समय आने पर उस दुष्ट सिंधु का वध अवश्य होगा, जिसने अतिथि बनने के नाम पर स्वामी को बंदी बना रखा है। किंतु ना जाने स्वामी कब तक ये अतिथि लीला करते रहेंगे। अब तुम्हारे स्वामी हमारी अतिथि लीला छोड़कर महल से अदृश्य हो गए हैं। देवी लक्ष्मी, उन्होंने हमारे साथ भयंकर छल किया है, देवताओं को हमारे विरुद्ध षड्यंत्र के लिए उकसाया है। अब मैं उसके साथ बैकुंठ लोक का भी सर्वनाश कर दूंगा। सावधान सिंधु, ये बैकुंठ लोक का पावन क्षेत्र है, यहाँ से चला जा, अन्यथा तू अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। तुम क्यों भयभीत होती हो सुंदरी? अब मैं तुम्हारे सामने ही वैकुंठ लोक का सर्वनाश करूंगा। तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, अपनी रानी बनाऊंगा। देखो मेरी अमर वरदानी शक्ति को, अमरास प्रकट हो। हमारे आदेश को न मानने का परिणाम देख लिया तुमने सिंधु। अब जब तुमने विष्णु के विरुद्ध शत्रुता कर ही ली है तो समस्त दैविक और शुभ शक्ति अब तुम्हारे विरुद्ध हो गई है। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे कथन पर संदेह ना कर सिंधु, अब भयभीत होने का समय नहीं है। तूने शुभ शक्तियों को ललकारा है, अब अपनी दैत्य शक्ति को समेट कर शुभ शक्तियों पर टूट पड़ो। अब मैं आपकी ही आज्ञा का पालन करूंगा, मुझे अपनी भूल पर पश्चाताप है। परंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आई दैत्य की। और क्या समझना शेष रह गया? मेरे ही अमरास्त्र मेरे पलट कर मुझ पर प्रहार क्यों किया? क्या आप मेरे अस्त्र शस्त्र मुझ पर ही प्रहार करेंगे? हम तुमसे कह चुके हैं सिंधु, छल या विष्णु के कारण अब संसार की सभी शक्तियां तुम्हारे विरुद्ध हो गई हैं। परंतु मेरे आराध्य और वरदानदाता सूर्यदेव तो मेरे विरुद्ध नहीं हो सकते। तुम्हारे आराध्य सूर्यदेव भी विष्णु के सहायक और सूर्य नारायण है। उन्होंने गुप्त रूप से तुम्हारे वरदान की शक्ति को निर्बल कर दिया है। अब तुम्हें अपने स्वयं की दैत्य शक्ति को प्रकट करके पृथ्वी और स्वर्ग पर आतंक का साम्राज्य स्थापित करना होगा। आतंक का साम्राज्य? हाँ सिंधु, राजनीति में सफलता के दो ही साधन होते हैं, पहला लोकतंत्र और दूसरा एक तंत्र। तुमने लोकतंत्र से स्वयं को स्थापित करने का प्रयास तो किया, परंतु दुष्ट देवताओं के षड्यंत्र से तुम्हारा लोकतंत्र असफल हो गया। अब एक तंत्र के साम्राज्य का समय आ गया है। एक तंत्र के साम्राज्य का समय? मैं कुछ समझा नहीं देती हूँ। अपनी जिस शक्ति पर तुम्हें अभिमान है उस शक्ति की सौगंध लेकर संसार में ये घोषणा कर दो कि जो तुम्हें विश्व सम्राट स्वीकारे उसे अभय, और जो न स्वीकारे उसे मृत्यु दंड। जो आज्ञा दैत्य गुरु। दैत्यवीर सिंधु, दुष्ट देवताओं छलिया विष्णु और मां गणेश के अवतारों को यह दिखाना होगा कि तुम्हारे पास वरदानी शक्ति हो अथवा ना हो, तुम्हारी स्वयं की दैत्य शक्ति ही किसी वरदानी शक्ति से कम नहीं है। जाओ, जाकर संसार में आतंक अभियान प्रारंभ करो। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कैसी लीला है?
सिंधु महल से अदृश्य हुए आपको एक लंबा समय बीत चुका है, परंतु आप अब तक मेरे समीप नहीं आए। महादेव ने कहा था कि उचित समय पर आप मेरे समीप आ जाएंगे। प्रकट हो प्रभु, अपने दर्शन दे श्रीहरि। विष्णु प्रिया देवी लक्ष्मी, क्या आपको हमारे यहाँ प्रकट होने की आशा न थी? देवी लक्ष्मी, हमारे बैकुंठ की रक्षा के लिए गौरी पुत्र श्री गणेश ने प्रकट होकर दुष्ट सिंधु के अमरास्त्र को लौटा दिया, किंतु तुम इससे यह न समझ लेना कि अब हमारा बैकुंठ सुरक्षित हो गया। तो क्या दुष्ट सिंधु पुनः बैकुंठ पर आक्रमण करेगा? सिंधु बैकुंठ पर आक्रमण करे अथवा न करे, हमें उसके विरुद्ध एक नए युद्ध का शंखनाद अवश्य करना है। नए युद्ध का शंखनाद? प्रणाम प्रभु श्रीहरि, प्रणाम माता लक्ष्मी। सूर्यदेव, एक दुष्ट दैत्य को वरदान देने का परिणाम आप देख ही रहे हैं। मैं नियंता के बनाए विधान के कारण दुष्ट सिंधु को वरदान देने के लिए विवश था श्रीहरि, मैं विवश था। अब आपकी विवशता समाप्त हो चुकी है सूर्यदेव। संसार का एक विधान ये भी है कि जो दुष्ट शुभ शक्तियों के विरुद्ध दुष्टता करेगा, उसे सभी शुभ शक्तियां मिलकर दंडित करेंगी। अवश्य प्रभु, मैं उस विधान से परिचित हूँ और उसी विधान के कारण इस समय आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। कहें, मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? सूर्यदेव, अब उस दुष्ट दैत्य सिंधु के अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। शुक्राचार्य के परामर्श से वह आतंक का साम्राज्य स्थापित करने के लिए संसार पर अत्याचार करने जा रहा है। अब हम सभी शक्तियों को मयूरेश्वर श्री गणेश का सहयोग करना होगा। अवश्य प्रभु, परंतु मयूरेश्वर को सहयोग देने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। अवश्य प्रभु, त्रिदेव, त्रिदेविया और संसार की समस्त शुभ शक्तियों को दुष्ट आत्माओं को वरदान देने से पहले इस बात पर विचार करने का विधान बनाया जाना चाहिए कि दुष्ट आत्माएं उनके वरदान का दुरुपयोग न करें। आज की घटना को प्रत्यक्ष देखकर मैं आपसे सहमत हूँ सूर्यदेव, हमें अवश्य ही वरदान देने से पहले विचार करना चाहिए। आज यदि श्री गणेश प्रकट होकर सिंधु का अमरास्त्र न लौटाते तो वैकुंठ लोक उसके प्रहार से। माता, संसार की बड़ी से बड़ी और भयानक से भयानक शक्तियाँ मिलकर भी वैकुंठ लोक, कैलाश लोक और ब्रह्मलोक को हानि नहीं पहुँचा सकती। यदि सिंधु का अमरास्त्र वैकुंठ से टकराता तो वैकुंठ के सात्विक प्रभाव के कारण वो स्वयं ही नष्ट हो जाता। हम जानते हैं सूर्यदेव कि सिंधु को दिया हुआ आपका वरदान अब शीघ्रता से क्षीण होता जा रहा है। प्रभु, जैसे जैसे दुष्ट सिंधु की दुष्टता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मेरा दिया हुआ वरदान क्षीण होता जाएगा। परंतु मेरी चिंता का एक कारण और भी है प्रभु। वो कारण आपकी ही नहीं, पूरे संसार की चिंता का कारण है। आप किस कारण की ओर संकेत कर रहे हैं स्वामी? माता, अनजाने में मुझसे प्राप्त अमृत को पीकर सिंधु सदा सदा के लिए अमर हो गया है। संसार और आपकी चिंता का अंत उस दिन होगा सूर्यदेव, जब श्री महागणेश के अवतार मयूरेश्वर श्री गणेश सिंधु का संहार करेंगे। उस दिन आपसे अनजाने में प्राप्त अमृत भी उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। देवी लक्ष्मी, अब संसार को सिंधु के अंत का साक्षी बनना है। आइए, हम दोनों भी शेष सैया पर विराजमान होकर सिंधु के दुष्टता का अंत देखें। अवश्य स्वामी। वरदानी दैत्यराज सिंधु की दैत्य शक्तियां जागृत हो, दैत्य सेना प्रकट हो। उग्रपुत्र वरदानी सिंधु दैत्य की वरदानी शक्तियां प्रकट हो, दैत्य सेना प्रकट हो। विश्व सम्राट अमर वरदानी दैत्यराज सिंधु की। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपने सत्य कहा था, हमारी वरदानी और दिव्य दैत्य शक्तियां भले ही क्षीण हो गई हो परंतु वो नष्ट नहीं हुई है। दैत्य गुरु, अब हम अपनी इसी दानवी शक्ति से महागणेश की सृष्टि में आतंक पहुंचा देंगे। स्वर्ग, पृथ्वी, ब्रह्मलोक,
वैकुंठ लोक और कैलाश लोक कोई भी देव स्थान हमारे घातक प्रहारों से सुरक्षित नहीं बचेगा। विश्व सम्राट अमर वरदानी दैत्यराज सिंधु की जय। दैत्य वीरो सारे संसार में आतंक पहुंचा दो। ब्रह्मा विष्णु महेश और महागणेश के भक्तों को विवश कर दो कि वो दैत्यराज सिंधु को सर्वशक्तिमान माने। चारों रक्त की नदियां बहा दो। कहीं से भी भक्ति पूजा और आराधना का स्वर ना सुनाई पड़े। अमर वरदानी दैत्यराज सिंधु की जय। जाओ दैत्य वीरो, जाकर संसार पर अपनी दानवी शक्ति का ऐसा प्रहार करो कि शुभ शक्तियों का हृदय कांप उठे। निरीय मनुष्यों पर इतना अत्याचार करो कि शुभ शक्तियां छुप जाने पर विवश हो जाए। जाओ विश्व सम्राट अमर वरदानी